हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो अभी टाइम शाम के 5:30 बज गए हैं गाइस, और व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम हो गया। एक्चुअल में ना आज गुरुजी का ना सत्संग था यहाँ सादुल शहर में, है यानी कि सत्संग अभी स्टार्ट हो गया, 15 मिनट हो गए सत्संग को। और मेरे को लगा था कि कल है सत्संग, उसी चक्कर में ना मैं आराम से वीडियो एडिट करता रहा और आराम से ही अपलोड करी मैंने। अभी फ़ोन आया किसी का तो मीनू तो फटाफट तैयार होकर चलेगी सत्संग पे। हमें यह था कि कल है और सत्संग आज था, तो अभी बस मैं भी तैयार हो गया। मम्मी और मीनू तो गए, आ रहा अंदर बैठा है, तो अभी आ रहा है और मैं भी जा रहे हैं। तो अभी पहले सत्संग अटेंड करके आते हैं, उसके बाद बाकी का व्लॉग करेंगे। और गाइज मौसम देखो, आज बादल से बन रखे हैं, देखो बारिश आ जाए तो। और अभी ना ये रहा, ये जा नहीं रहा, ये अपनी चाय बना रहा है हमारा शहजादा। ये रहा, ये पहले मीनू के साथ चला गया साइकिल पे, चक्कर काटता रहा और गिर गिरा के आ गया रोकता हुआ, अब जाएगा मेरे साथ, चल आ जा चले। तो गाइस सत्संग पे जा रहे हैं ना, तो आ रहे ने भी गुरुजी वाला ब्रेसलेट डाल लिया, मैंने भी डाल लिया। तो गाइस फिलहाल सत्संग वाले घर पे पहुंच गए, अब यहाँ ना आगे मोबाइल यूज करने नहीं देंगे, तो अभी आपसे मिलते हैं सत्संग के बाद। A few moments later. तो गाइस सत्संग तो हो गया, अभी आरती हो रही है। तो गाइस अभी बाहर आ गए हम, अभी वो देखो लंगर प्रसाद की तैयारी हो रही है, अभी सबको यहाँ बिठा के लंगर प्रसाद खिलाएंगे। और आ रहा ये बैठा, ये देखो कूलर के आके बैठा है बिल्कुल सज के। तो गाइस ये अंकल और आंटी की एनिवर्सरी है, 25वीं सालगिरह, तो अभी केक काटेंगे गुरुजी के दरबार में। अंकल आंटी ने केक तो खिला दिया एक दूसरे को, पहले गुरुजी को फिर एक दूसरे को, अभी जय माला। तो गाइस फिलहाल 7 बज गए और ये सत्संग ना अंकल आंटी और का ना आज 25वीं सालगिरह थी, तो उसी की खुशी में रखवाया था उन्होंने सत्संग। तो अभी केक काटा है और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, हम तो बाहर आ गए एक बार, अभी बस लंगर प्रसाद खा के फिर चलेंगे घर। तो गाइस अभी ना लंगर प्रसाद खिलाने लग गए, तो अभी जल्दी से ना लंगर प्रसाद खा के फिर घर चलते हैं। तो गाइस फिलहाल लंगर प्रसाद आ गया, लंगर प्रसाद में आ जाए कड़ी पनीर, तो फटाफट लंगर प्रसाद खाते हैं, आ रहा तो स्टार्ट भी हो गया। तो गाइस फिलहाल सत्संग भी हो गया और लंगर प्रसाद भी खा लिया, तो फिलहाल मैं और आ रहा तो जा रहे हैं घर पे, और मीनू थोड़ी देर रुक के आएगी। बाकी सत्संग बहुत बढ़िया था, पूरा आनंद आया सुन के, अभी फिलहाल पहले घर पे चलते हैं। और ये देखो देसी बन के घूमे जा रहा, ओ देसी छोरा देखना, देसी छोरा बन के घूम रहा। तो गाइस फिलहाल सत्संग पे जाके घर आ गए, और ना सत्संग पे तो जब भी जाते हैं खैर खूब आनंद आता है। अभी खैर घर पे पहुंचे हैं, गर्मी तो खैर बहुत ज्यादा थी, पर अभी पहले ना थोड़ी देर एसी में बैठते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। अब
सीट ऊंची कर देता हूँ, पहले पैंट उतार के जाना तो बाहर, इतनी गर्मी पड़ रही है। लो दो तीन बार तो पहले गिर गया, तो गाइस बड़ी मुश्किल से उतरवाए हैं इससे नए कपड़े। इसको दिखने चाहिए कि नई जींस और टी शर्ट उतारता नहीं है, फिर सारा सारा दिन ये इतनी गर्मी पड़ रही है। और आ रहा देखना, वो रहा अक्षु के साथ साइकिल चला रहा, ये आ गया। कहाँ घूम रहे हो तुम, देख गिरता ना अभी, वो भी पीछे पीछे स्किड मारे जा रहे हैं इसके। और फिर अक्षु कैसे हैं, आधा फौजी निकल डाल के घूमे जा रहा है। क्या करा हुआ तूने? मैंने यहाँ से अपने घर से स्किड मारी, वो खम्बा तक पार कर गया वो वाला। इधर हो जा, वो आ गया तेरा कुछ लगता यार। अभी कहीं की कहीं पार करा देगा तेरे को। अब क्या करता है तू, ये किसकी, अक्षु की साइकिल है? तू चला लेता है ये? तेरे से नहीं चलती ये, तेरे से छोटा कदम है, ये चला लेता है यार। ये बाइक है तो मैं भी चला लूं फिर। आ चला लूं किसकी साइकिल? और क्या था? मैं तो हवाई जहाज भी चला लूं। ले पकड़ा है इधर, मैंने बोला तो चलाने के लिए सीरियसली लेके। चल मैं इधर जाके आ रहा हूं। तो ओए साइड हट, आराम से यार चला लिया ना, चला नहीं सकते। इसकी तो घंटी बड़ी जबरदस्त है, देखना गाइस कहाँ से लगवाई है तूने? मैं सिरसा से, ये साइकिल सिरसा से लिया। यहाँ से नहीं मिलती ना ये, देखो ना यहाँ वाली घंटी, मैंने तो इधर देखी नहीं, बढ़िया है ये, थोड़ा सा भी हाथ लग जाए तो बच जाती होगी। बिठाऊं तेरे को? मैं बिठा देता हूँ। तो देखना गाइस अक्षु की साइकिल चलाने के लिए ना यहाँ सीढ़ियों तक का है, यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के फिर चढ़ा साइकिल पे। ले चला चला के, ज्यादा दूर मत जाना, मुड़ेगी नहीं तेरे से। क्या साथ में तेरे भागता थोड़ी रहूंगा, साथ साथ चल फिर चल मेरे अक्षु, साथ आ जा तो इसके, तो इसके साथ चल, पकड़ लेना इसको कहीं गिरने ना लगे, संभलेगी नहीं इससे। देखना पकड़ के ही ले जाना, तो फिर चलाने का फायदा क्या हुआ। रुक जा पकड़ने दे आराम से। तू ना चला के इसको, और एक पैडल पे पैर रख के ऐसे ऊपर से उतर देना, वैसे उतर के दिखाना इसको। ये देख हाँ ऐसे भी उतर सकता है तू, वो देख ऐसे ना, ये कैसे उतरेगा ये, अब उतरना ये देख ऐसे एक पैडल पे बाहर देख के ना ऐसे उतर जाया कर। ये देख तरीका समझ लेना, एक पैडल मार के वो देख ऐसे ये बस ऐसे चढ़ गया। बाबू सीखना पड़ता है ये गया। अब चढ़ के देख, हाँ तू सीधा सीट पे चढ़ता है, इसके ऊपर से डंडे के ऊपर से मैं भी पहले देखना था। देख आ जा बस बस बाबू बस, कुछ नहीं लगी देखना गिर गया। ये देखना गिरा और गोबर लग गया सारा, हंसे जा रहा है, तब तो चीखने लग गया तू। तेरे को तीन बार समझाया अभी, सीट के ऊपर पैर मत चढ़, डंडे के ऊपर से आ, पर ना सीट के ऊपर चढ़ा जा रहा, सीट के ऊपर चढ़ा जा रहा, दड़ाम से गिरा, तब तो मैं हंसा नहीं, अब हंसा आ रहा है इसमें। चल पैर धोले, पैर सारा गोबर लगा लिया, बच गया तू आज। पीछे से ना तो वैसे नालियां बाहर की इतनी खुली खुली हैं, जहाँ तू गिरा था ना वो दीवार आगे थी और नाली थी छोटी, नहीं तो सीधा जाता नाली के अंदर। तो नाली के अंदर तो नहीं गया, पर आ रहे के बम फूट गए बेचारे के, कितनी देर दर्द होता रहा। हम शामी पता सी की आया सी, अक्षु उदा साइकिल चलाने लगा, इन्हू सिखाया भी सही ना भी, तू तेरा वास्ते वड्डा साइकिल हैगा तो तू ना एवें चढ़ इहदे उत्ते। उन्हें दो तरीके सिखाए ना भी, डंडे के उपर की ना करो, सीट के उत्तों की हो, वारी वारी सीट से मैं करे, एक बार किया दूजे बार किया, उतरों लगा तेरे जड़ाम थले नाली चाहता है। बागलिया के घर को की नाम है, नाली छोटी नहीं गई उत्थे, बच गया भी नाली छोटी सी, जिम्मे अपने घर को वही नाली है ना, तो ना जाना नाली से छोले गंढीए तो डिगदा, लक्षण करता डिगन डिगदा। तो गाइस अभी तो फिलहाल डिनर करना नहीं है हमने,
क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लंगर प्रसाद खा के आए थे हम सत्संग से, तो अभी तो खैर भूखी नहीं है। तो अभी ना फटाफट व्लॉग एंड करके उधर जाता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।